हेलो एवरीवन, माइसेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास नाइन्थ साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। क्लास नाइन्थ साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग सेल को बोलते हैं, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करने स्टार्ट किया था सेल के, जिसमें हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को समझा था। फिर हम लोगों ने सेल डिस्कवरी को समझा था। तो अभी तक इन टॉपिक्स को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ साइंटिस्ट्स को और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, जिनकी मदद से सेल बायोलॉजी पढ़ना हमारे लिए इजी हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस चीज को डिस्कवर किया था। फिर हम लोग एवी ल्यूवेन हुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर हम लोग रॉबर्ट ब्राउन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे पुरकंजी के बारे में। और फाइनली आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हैकल के बारे में। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन साइंटिस्ट एंड इनके कंट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रॉबर्ट हुक को। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी को डिटेल में डिस्कस किया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, और किस तरीके से डिस्कवर किया था डिटेल में हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा है। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था एक, और खुद के माइक्रोस्कोप की मदद से कोर्क की एक थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया था। और उसमें उन्होंने देखा था, जब उन्होंने कोर्क की थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया था उनके खुद के माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, जिसके अंदर उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिले थे। उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को ही रॉबर्ट हुक ने कहा था सेल, और सेल का लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग होता है लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। चलिए लिखते हैं, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की 1665 में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवी ल्यूवेन हुक को, कि एवी ल्यूवेन हुक ने सेल बायोलॉजी में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए, एवी ल्यूवेन हुक ने 1674 में माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, क्योंकि एवी ल्यूवेन हुक एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। इन्होंने 1674 में माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, और अपने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करने के बाद उसकी मदद से पोंड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। तो एवी ल्यूवेन हुक ने क्या किया, 1674 में सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया, और इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से पोंड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। तो एवी ल्यूवेन हुक ने माइक्रोस्कोप को इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप एंड विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप पोंड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को भी इन्होंने डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पोंड वाटर। क्लियर। हम लोगों ने रॉबर्ट हुक को डिस्कस किया कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। फिर हमने डिस्कस किया एवी ल्यूवेन हुक के कंट्रीब्यूशन को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउन के कंट्रीब्यूशन को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रिपीट करता हूं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो लिखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल इन 1831। तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस।
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन प्लांट सेल. क्लियर. अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रुकंजी के कंट्रीब्यूशन को, कि प्रुकंजी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया सेल बायोलॉजी में. देखिए प्रुकंजी ने 1839 में जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. रिपीट करता हूं, प्रुकंजी ने 1839 में सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. चलिए लिखते हैं, प्रुकंजी इन 1839 गेव अ टर्म प्रोटोप्लाज्म. फोर लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इन साइड द सेल, प्रेजेंट इन साइड द सेल. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने डिस्कवर किया या प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म टर्म को पुरकंजी ने 1839 में दिया. और किसके यूज के लिए दिया, जो सेल होता है उसके अंदर जो लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे हैकल के कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल बायोलॉजी में. तो हैकल ने 1866 में बताया कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी कैरेक्टर के स्टोरेज के लिए एंड उसके ट्रांसफर के लिए. रिपीट करता हूं, हैकल ने 1866 में बताया कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी कैरेक्टर के स्टोरेज के लिए एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए. तो समझते हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं. देखिए हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, इनको हम जेनेटिक कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं. ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. हम बोल सकते हैं जो कैरेक्टर्स पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं उन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. मैं रिपीट करता हूं कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हम किनको बोलते हैं, जो कैरेक्टर्स पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स. तो जेनेटिक कैरेक्टर्स या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं. और हैकल ने बताया कि जेनेटिक कैरेक्टर्स या फिर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होते हैं और न्यूक्लियस ही उनके ट्रांसफर के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है. तो चलिए लिखते हैं, हैकल इन 1666 इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर storing the hereditary characters and transferring the hereditary characters. तो हैकल ने 1866 में बताया कि न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो एक बार रिपीट करते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं. आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु डिस्कवर सेल, तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल.
फिर जो एवी ल्यूवेनहुक है, इन्होंने 1674 में माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, और माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करने के बाद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से पोंड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, तो एवी ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स इन 1674। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप, तो एवी ल्यूवेनहुक इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। फिर पुरकंजी के बारे में पूछा जा सकता है कि पुरकंजी साहब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सेल बायोलॉजी में, तो पुरकंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दी, और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसके लिए दी, जो सेल के अंदर लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को इन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैकल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सेल बायोलॉजी में, तो हैकल ने 1866 में बताया कि न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी कैरेक्टर के स्टोरेज के लिए और हेरिडिटरी कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए जनरेशन से जनरेशंस में। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल बायोलॉजी सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।